आज कोरोना काल के टाइम पे हम काढ़ा बनाने का जो रेसिपी है वो आपको दिखाएंगे। एक्चुअली ये रेसिपी काढ़ा इसलिए बोलते हैं कि एक घरेलू आयुर्वेदिक उपचार है, तो ये काढ़ा कोरोना काल के लिए लाभदायक कारक होता है और इससे आपको कफ, सर्दी, खांसी, अन्य प्रकार की बीमारी हो जैसे बुखार हो गया, सर्दी, सर भारी है, कफ है, इस टाइप का उपचार बहुत लाभदायक है और ये कोरोना काल के लिए भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत पर्याप्त उपचार है। ये तो नाम के मात्रा एक हल्दी पाउडर है, आप हल्दी पाउडर है तो हल्दी पाउडर यूज करें या तो हल्दी का कच्चा हल्दी भी यूज कर सकते हैं है तो, और दो दालचीनी, चार लौंग है, चार काली मिर्च है, 10 से 12 पत्ते जो अपना तुलसी के पत्ते हैं, छोटा स्मॉल टुकड़ा जो है नींबू और एक स्मॉल टुकड़ा अदरक, 1 चम्मच गुड़ और थोड़ा सा हनी इसमें यूज करेंगे हम। हनी इसके लिए की बहुत लाभदायक है। अब हम टोक चढ़ाएंगे और इसमें 1 कप पानी बॉयल होने के लिए, गुनगुनाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको अदरक कूटने के लिए इसको बारीक थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, जो है इसमें 4 लौंग, 4 काली मिर्च डाल के इसको कूट लीजिए। कूटने से इसका रस जो है अच्छे से मिक्स हो पाएगा। अब देखिए पानी गुनगुनाने लगा है गर्म जैसे, तो इसमें आप दालचीनी डाल दीजिए, अभी कूट लिए थे तो इसमें जो है अदरक और काली मिर्च और लौंग का जो कूटे थे आप इसमें डाल दीजिए, तुलसी पत्ता, उसके बाद गुड़ 1 चम्मच, हल्दी थोड़ी सी नाम के मात्रा, तीन से चार मिनट इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए सारी चीजें को, ताकि इसका जो रस जो है अच्छे से पानी में आ सके। बॉईल हो चुका है, 3 से 4 मिनट हो गए, तो हम इसको छान लेते हैं। इसको जो है हल्की सी इसमें 3 से 4 बूंद नींबू का रस डाल देंगे और शहद जो है 1 1/4 चम्मच शहद डाल देंगे। और इसको मिक्स कीजिए और इसको ठंडे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद या तो चाय के माफिक गरम गरम थोड़ा हल्का सा जो पी लीजिए। तो ये आपको आयुर्वेदिक काढ़ा इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रयोग करना है अपने घर पे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट की बनने वाली चीज़ें हैं, बच्चे को बूढ़े से लेके बच्चे से हर आदमी को ये काढ़ा दे सकते हैं।